गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 15 जून 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो देखते हैं, मैं अर्चना सिंह आप लोगों के साथ, कि देश और दुनिया में क्या नया हुआ है, क्या इंडिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और इकोनॉमिक में नया करंट अफेयर जुड़ा है, जो कि हमारे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेंस के चारों पेपर हैं उसकी सीरीज़ मैं चला रही हूँ, तो वो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, उसमें आप लोग देख सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के करेंट अफेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। आज है 15 जून। तो 7 जून को जो मनाया जाता है वो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट डे है वो है 12 जून को, जो कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये बाकी तीनों जो डेज हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून को मनाया जाता है। और इसी तरह 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। तो ये सारा आप लोग एक बार रिवाइज कर लें। जून का जो तीसरा रविवार होता है, ये होता है 21 जून को जो आएगा, उसमें वर्ल्ड्स फादर्स डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये है फीफा में शीर्ष पर नॉर्मली बेल्जियम ही होता है, तो बेल्जियम है। कोरोना महामारी के कारण विश्व फीफा जो विश्व कप है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं, और बेल्जियम जो है वो काफ़ी दिनों से स्कोर दिए हुए हैं, इतना कि बेल्जियम 1765 स्कोर है। इसी तरह भारत का स्कोर 1187 है, और ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे है, और जो भारत है वो इस समय 108 नंबर पे चल रहा है फीफा की रैंकिंग में। सेकंड पे फ्रांस है और थर्ड पे ब्राज़ील है, फर्स्ट पे बेल्जियम है। यहाँ पे फीफा की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को, अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, और मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। हम बेल्जियम की बात करें जो कि फीफा रैंकिंग में नंबर 1 पे है, उसकी राजधानी है ब्रसेल्स, और उसकी जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं सोफी विलमेंस, और उसकी मुद्रा है करेंसी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कार्यक्रम किया है हैदराबाद पुलिस ने। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो महिलाओं के हक, अधिकार और कानून सहायता प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क स्थापित किया गया है। तो हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तिमिसिलाई सौदर राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून का निधन हो गया, किस देश के थे? तो टोनी ड्यून थे आयरलैंड के, ये आयरलैंड के थे, और टोनी ड्यून एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, और आयरलैंड जो है वो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। तो आयरलैंड के बारे में देख लेते हैं, तो इसकी राजधानी है डबलिन, इसकी करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति इसके माइकल डी हिंगल्स है, और प्रधानमंत्री इनके हैं लियो वार्डकर। तो ये आप इम्पोर्टेंट अलग से जो फैक्ट्स हैं वो याद रख सकते हैं इसको एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य बन गया है उड़ीसा, उड़ीसा पहला राज्य बन गया है। इसकी राजधानी जो की बात करें तो भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के जो नेशनल पार्क हैं वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क। इन बांध की बात करें तो इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर, हीराकुंड बांध है महानदी पर, और GI टैग में उड़ीसा फेमस है कोणार्क पत्थर नक्काशी के लिए, पट्टाचित्र के लिए और गंजम केवड़ा फूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है कैथी सुलेवान ने। कैथी सुलेवान समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं, वे अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिका महिला भी बनी थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है ये आप लोगों के
आने वाले एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे कैथी सुलेवान का नाम। इनमें से किस भाषा के प्रसिद्ध शायर थे? आनंद मोहन जुत्ती उर्फ गुलजार दहलवी ने कहा जाता है। इनका 93 इयर्स की उम्र में निधन हो गया। तो ये थे उर्दू भाषा के कवि। और गुलजार दहलवी यानी पंडित आनंद मोहन जुत्ती शायरी में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की यहाँ पे झलक उनकी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने, जिसके तहत डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI, नो डाउन पेमेंट, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट समेत कई ऑफर जो है वो ग्राहकों को मिलेंगे, प्रदान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली कौन सी सिख बन गई हैं? तो ये पहली सिख बन चुकी हैं अनमोल नारंग। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 वर्ष की डिग्री यहाँ पूरी की है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलीवुड की किस एकेडमी ने ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियमों को लागू करने की घोषणा की है? तो ये है यहाँ पर मोशन पिक्चर एकेडमी। मोशन पिक्चर एकेडमी ने हाल ही में ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में नॉमिनेशन की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 से 5 तक की कक्षा के लिए बच्चों की ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है कि बच्चों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े? तो ये किया है कर्नाटक की राज्य सरकार ने। सरकार ने साथ ही घोषणा की है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। आप बिल्कुल बताना ना भूलेगा कि आपको करंट अफेयर की सीरीज़ कैसी लग रही है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।